है। आइए दिखाते हैं निकाय चुनाव के दूसरे चरण के परिणाम की सीधी तस्वीरें एक साथ। बीजेपी के प्रत्याशी चयन के मापदंड ही चुनाव में उसे भारी पड़ गए हैं। रीवा, मुरैना और कटनी में नगर निगम चुनाव हारना बीजेपी के लिए अलार्मिंग माना जा रहा है। वहीं अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने वाले नेताओं को भी झटका लगा है। 2014 में 16 में से 16 नगर निगम पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार बीजेपी को सिर्फ 9 नगर निगमों पर जीत मिली है। पहले चरण में 4 नगर निगमों पर बीजेपी हारी, दूसरे चरण में भी 3 नगर निगमों पर बीजेपी हार गई। रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा की जीत हुई है। मुरैना में शारदा सोलंकी ने जीत दर्ज करवाई है। कटनी में बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रीति सूरी ने जीत दर्ज की है। देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल को भी जीत मिली है। रतलाम में प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज की है। बीजेपी का प्रत्याशी चयन हार का सबसे बड़ा कारण बना है। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकट दिलवाए थे, कटनी में संजय पाठक ने टिकट दिलवाए थे, तो वहीं रीवा में राजेंद्र शुक्ला ने टिकट दिलवाए थे। आरएसएस का भी टिकट वितरण में हस्तक्षेप रहा है। देखिए, मतदाता तो सब जगह होते हैं, हम नगर निगम अकेले की बात क्यों करते हैं। मतदाता तो सब जगह होते हैं, वोट सब जगह डलते हैं। तो प्रदेश के कई हमारे जिले ऐसे हैं जो नगर निगमों से बड़े हैं, वहाँ हमारी नगर पालिकाओं में मेजॉरिटी आई है। तो कोई एक आध दो अगर नगर निगम में कहीं ऐसा 19-20 है भी, तो पार्षदों में वहाँ पर भी हमारा बहुमत है। जबलपुर में अगर आप देखें तो पार्षद भाजपा के ज़्यादा हैं, ग्वालियर में आप देखें तो पार्षद भाजपा के ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी लोगों ने समर्थन भाजपा का ही किया है। अब मेयर का किन्हीं कारणों से परिणाम थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, पर हम पूरे प्रदेश की बात क्यों नहीं करते। मतदाता तो सभी हैं, नगर परिषद का भी मतदाता है, नगर पालिका का भी मतदाता है, तो क्या नगर निगम में कोई अलग से मतदाता थोड़ी होता। तो सभी जगह तो समर्थन मिल रहा है, एक दो जगह अगर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। जहाँ एक और बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं 5 नगर निगम जीतने के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। जो परिणाम है इसके अंदर सिलेक्शन और रिजेक्शन की बात है। बीजेपी को रिजेक्ट किया है जनता ने, जो जिस बीजेपी को उन्होंने पूरे 16 नगर निगम दिए थे वहां पर वो आधे पे लाके खड़ा कर दिया है जनता ने उनको, और आधे भी वो कितने कम मार्जिन से जीते हैं या किस तरह के कृत्यों से जीते हैं वो भी सब जानते हैं। आज साफ तौर के ऊपर ये है, कमलनाथ जी के नेतृत्व को सेलेक्ट किया है जनता ने, जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें आश्वासन दिया है अपना, जनता ने हमको आश्वस्त किया है, और ये साफ बताता है कि मध्य प्रदेश की फिजा बदल गई है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक नई इबारत लिखने जा रही है विकास की, और वही चीज़ आपको इसी परिणामों के हिसाब से नगर निगम के बाद विधानसभा में कांग्रेस का परचम फहराते हुए हम। छोटे स्थानों पर चुनाव जीती बीजेपी के लिए इस बार 7 नगर निगमों में हारना बड़ा झटका माना जा रहा है। इन परिणामों से एक बात तो और साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 8।